ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। लो जी, अज सोनी दे घर साडा दूजा दिन है, तो हुण असी जा रहे हैं बॉर्डर ते, तो तुहानू दिखाने आ बॉर्डर किहो जिहा जिहड़ा इन्हां दे घर तों लगभग सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी दे है। सारा कुछ तुहानू बॉर्डर का जिन्ना भी माहौल है सारा दिखाने आ, ते अज दा जिहड़ा व्लॉग है मेन बॉर्डर दे उत्ते बनेगा, सुचेतगढ़ नाम है उस बॉर्डर का। तो चलो निकलते हैं जी। सो गाइज, अब हम घर से निकल पड़े हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जितनी भी वीडियो है इसकी सारी आवाज़ म्यूट कर दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया जम्मू का, तो बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे से कई जगह पर उस जगह के नाम बोले गए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी मेरी वजह से कोई छोटी सी एक वीडियो की वजह से कोई दिक्कत या परेशानी आए भारत माता पे। इस करके तो मैंने अपनी सारी आवाज़ म्यूट करके अपनी अलग से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाकी जो सी जगह इस वीडियो में मेहनत बहुत लगी थी, इसलिए मैं बिना जगह के नाम बताए आपको वीडियो एक्सप्लोर करूँगा, क्या क्या करा ये, क्या क्या जो सी आपको वीडियो में मेन मेन चीज़ें दिखेंगी। हम बॉर्डर पर भी गए, ये जो सा आप गांव देख रहे हो ये गांव लास्ट गांव है, बिल्कुल जम्मू का लास्ट गांव है, इससे आगे आर्मी का एरिया शुरू है। ये मतलब ये सोनी के घर से तकरीबन 1 किलोमीटर है, तो बस अब आगे सारा आर्मी एरिया पाकिस्तान और इंडिया का, मतलब तारें भी लगी हुई हैं आप देखोगे तो। बॉर्डर पर घर होने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये वीडियो है जो ये है 29/5 की, क्यों बता रहा हूँ मैं ये डेट, क्योंकि 29/5 को आप सबको पता क्या हुआ था, सिद्धू मूसे वाले का मर्डर। तो ये अपनी इंडियन आर्मी की लास्ट पोस्ट है, ये आप तारे देख रहे हैं, ये तारों के उधर वाली साइड पे पाकिस्तान है और इधर इंडिया है, तो आप देखना तारों के बीच में ना कहीं कहीं जगह इन्होंने गेट बनाया हुआ है। वो गेट इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि अपने जो से इंडियन फार्मर है, जो से जिमीदार हैं, वो वहाँ पर इनकी ज़मीन है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर फिर खेती करने के लिए जाते हैं। तो ये ज़ीरो लाइन आप वो वहाँ पर देख भी रहोगे, पत्थर पड़ा हुआ है, तो वो मेरे से क्लियर दिखाया नहीं गया है ना। तो ये एक और पोस्ट आ गई थी अपनी इंडिया की, तो ये पोस्ट है जो सी ये है बॉर्डर की, जहाँ पर परेड होती है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था। तो अंदर की क्लिपें भी थी मेरे पास, वो मैंने डाली नहीं, क्योंकि वही बात है सिक्योरिटी रीज़न है, अपने भारत माता के जो से जवान है देखो वहाँ पर 24 घंटे रिस्क लेकर खड़े होते हैं, और पाकिस्तान के भी जवान देखो काफ़ी जो सी ऑडियंस है वो मेरी पाकिस्तान की भी है, तो मैं मतलब इंडिया और पाकिस्तान के जो से लोग हैं वो तो नहीं चाहते लड़ाई है ना, बाकी जो से पॉलिटिशियन है हम चलो किसी के बारे में क्या बोले। तो ये हम आगे थे बॉर्डर पर, ये हम अंदर जा रहे थे ठीक है, तो अंदर की क्लिप पे भी हम मतलब काफ़ी आधा किलोमीटर पाकिस्तान तक भी गए हैं, देख कर आए हैं, काफ़ी अच्छा माहौल था। क्लिपें पड़ी हुई हैं पर मैं डाली नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने जवानों की कोई फ़ोटो एक्सप्लोर हो या कोई जगह एक्सप्लोर हो जिससे किसी को भी कोई वजह मिल जाए है ना। सो गाइज, ये जो से टीले बने हुए हैं, देखो पंजाबी में टीला भी बोल देते हैं इसको, बन भी बोल देते हैं, ये तारों के उधर ये कुछ एक एरिया है जहाँ पर मतलब आर्मी ने ऐसे बनाए हुए हैं, ये पुराने समय के बने हुए हैं जब मतलब इंडिया और पाकिस्तान अलग से हुआ। वो देखो वो पाकिस्तान का आपको टावर दिख रहा है, वो पाकिस्तान के जवान बैठे हुए वो है टावर, और वो उन्हीं का पाकिस्तान वालों का ही झंडा लगा हुआ। सो ये उस टाइम के दो मतलब 1947 के बने हुए हैं ये, फिर उसके बाद मॉडर्न टेक्निक आ गई, ये तारें लगी हैं, ये तारों में इतना करंट है ना, इतना करंट है कि मतलब कोई मक्खी भी इधर उधर नहीं आ जा सकती। जो से मैं गेट की बात कर रहा था, सो ये वो गेट है
जहाँ से हम अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, जहाँ से मतलब अपने इंडियन फार्मर्स या पाकिस्तान के फार्मर्स हैं वो भी इधर आते हैं खेती करने के लिए। तो ज़मीन है अभी भी लोगों की, कुछ पाकिस्तान वालों की इंडिया में है और इंडिया वालों की पाकिस्तान में है। सो अब मैंने शुरू में बात करी थी कि कुछ नुकसान भी है तो फ़ायदे हैं, नुकसान काफ़ी हैं फ़ायदे कम हैं बॉर्डर पे घर होने के। जो से नुकसान तो 24 घंटे कोई पता नहीं कब कहाँ से गोली आ जाए। जब मैं हम मतलब अपने गया हूँ ससुराल में है ना, सोनी के घर हम जब गए हैं रहने के लिए 10 दिन रहे हैं, उसमें से एक दिन ऐसा आया था जब फायरिंग हो गई थी। तो फायरिंग हुई तो रात के 12:30 एक बज रहा था, तो अब वाव कैमरा तो कैसे उठाता मैं, बाकी गोलियां साफ दिख रही थी चलती हुई है ना। तो ये तारे हैं, ये उधर पाकिस्तान है, ये अपनी इंडियन आर्मी की पोस्ट है। सो बाकी ये तारों में करंट बहुत ज़्यादा, कोई सोच भी नहीं सकता कोई इंडिया की तरफ मतलब आतंकवादी या कोई आ सके। बाकी हाँ, ये वीडियो 29/5 की, 29/5 को सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था। अभी देखना जब मतलब मेरे पास खबर आई ना, जब मेरे को कॉल आई यहाँ से कि सिद्धू मूसेवाले को गोलियाँ मारी हैं, तो उसी टाइम मतलब उससे आधा घंटा पहले जब उस पर हमला हुआ तो जम्मू में भी माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। अब ये जौन सी जगह यहाँ पर मैंने आवाज़ म्यूट करी है क्योंकि इस जगह का मेरे मुंह से नाम निकल गया था। तो देखो जौन सा हुनर है वो पाकिस्तान में खड़ा है और मैं इंडिया में खड़ा हूँ। ये काफ़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद। कैमरे के पीछे साइड पर फौजी अपने खड़े हुए हैं आर्मी वाले, तो काफ़ी मतलब उनको बोलने के बाद उन्होंने ये शूट करने दिया था। तो अब मेरे मुंह से नाम निकल गया था इस करके मैंने म्यूट कर दिया। देखो उन्होंने हमें परमिशन दी, अब उनका भरोसा तोड़ना तो अच्छी बात नहीं ना। अब देखना, अब आप आगे देखना कितना मौसम ख़राब हुआ। बट जिस दिन सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, बड़ी दुखद घटना थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। काफ़ी अच्छा सिंगर था, मेरी तो गाड़ी में चलता ही सिद्धू मूसेवाला, पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो भाई अभी आप आगे देखोगे, मैं ना एक पोस्ट दिखाऊंगा, ये है पाकिस्तान वालों की पोस्ट। तो इतना सेंसिटिव एरिया, इतना सेंसिटिव एरिया, कभी भी यहाँ पर गोली चल सकती है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, ये किसी को भी गोली मार सकते हैं। तो भाई आगे ना ये देखो टिप्पर मिट्टी निकाल रहे हैं। तो ये जो से जिमीदारों को परमिशन नहीं मिलती ना, फिर फौजी नाल बैठ के मिट्टी निकलवाते हैं, मतलब वो अपनी मिट्टी बेच के गुजारा करते हैं ज़मीन की। तो भाई व्लॉग पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।